कहते हैं धरती पर पानी सबसे अमूल्य संपदा है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इंसान भोजन के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। भारत में पेयजल की गंभीर समस्या सिर्फ शुष्क मरुस्थल वाले राज्यों में नहीं अपितु पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बनी है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पेयजल समस्या पैदा होना अब आम बात हो गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिमाचल के सबसे शिक्षित और कम आबादी वाले जिले हमीरपुर के उपमंडल भोरंज का एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजना नहीं पहुंच पाई है। आलम यह है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक यहां के लोग कुओं का दूषित और कीड़ों वाला पानी पीने को मजबूर है। वैसे भी आजकल जिले में इंद्र देवता खूब मेहरबान है, यहाँ पर खूब बारिश हो रही है जिस वजह से इन कुओं में कीड़े पड़ गए हैं। गांव में पेयजल का कोई अन्य और साधन नहीं है, लिहाजा ग्रामीण इस कीड़े वाले दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत बजटों के ग्रामीणों का कहना है कि यह एक दलित बस्ती है। उन्होंने इस बारे में विधायक को भी कई बार अवगत करवाया, लेकिन समस्या वैसी ही रही। यही नहीं, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन SDO एक्शन तक के पास समस्या को हल करने के लिए फरियाद लगाई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। जो पानी री बड़ी दिक्कत ही पता नहीं, जो कोई सुनवाई नहीं करी रहा, उरे परे भी गया जाति पाति रा भेदभाव करी ने, पता नहीं जो आश्वासन दे रहे हैं कि क्या करी रहे हैं। जा रहे तो आश्वासन दे रहे हैं, बोली करे तसली जी दे रहे हैं, बोली करे पे काम लगी आना लैनी लगी रही बिछने। तो सर अज तक कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो बड़ी भारी समस्या है पानी की, और तो और कीड़े वाला पानी पिया रहे हैं। उरे परे जाने जोगे नहीं, दवाई वगैरह ले आइए तो उपरा तो लॉकडाउन लग रहा, क्या करना। देखा जी हाँ पानी बड़ी मुश्किल है, हाथों चुने अर्ज कर रहे हैं, ब्याह सुनवाई कर लिया। देखा रोपे च मकान आ, कोई खूह नहीं आ, कोई किश नहीं है जी। जेकर सुनाए तो इं नहीं कर रहे सदी है, तो इसते मरना ही खरा। देखा कीड़े फेरे खूह च, आखी देखी ने कि पी सकता है। और कोई खूह नहीं है जी, कितने नेड़े कने जा नहीं सकते खूह जो हूँ नेड़े तेड़े ने, और खूह नहीं है कितने कने, तो कीड़े कीड़े क्या पीना पानी भी। ये बीमार होता तो करोने का डर है, फिर तक हॉस्पिटल भी कुता जाना जी।